छोटी थी जब छठवीं क्लास में थी तो बगीचा जाके गाना गा रही थी कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। ना सिर्फ अच्छे संगीतकार थे, अच्छे प्लेयर थे, अच्छे चित्रकार थे और सबसे अच्छे बेहतर इंसान थे। सिंहेश्वर नगर में अलग अलग महिला संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने राजा महेंद्र बहादुर सिंह जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं शेख इमरान और आप देखना शुरू कर दिए हैं मिस्टर इमरान न्यूज नेटवर्क। देखिए यह खास रिपोर्ट। फिंगेश्वर नगर में अलग अलग महिला मंडल व संगठनों से जुड़ी महिलाओं ने फिंगेश्वर राज रियासत के राजा महेंद्र बहादुर सिंह जी को नम आंखों से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर उन्हें याद करते हुए सभी महिलाएं काफी भावुक हो गए। दरअसल नगर के गायत्री मंदिर में प्रज्ञा महिला मंडल, वीरांगना महिला संगठन, जागृति महिला मंडल तथा मां भगवती महिला मंडल की तमाम महिलाओं ने राजा साहब को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दिए हैं। बता दें कि 26 अक्टूबर को राजा साहब का इलाज के दौरान रायपुर के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया था, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। नगर की महिलाओं ने राजा साहब को याद करते हुए कहा कि हमारा फिंगेश्वर क्षेत्र राजा साहब के व्यक्तित्व से काफी चमकता और उभरता था। साथ ही कहा कि राजा साहब ना सिर्फ अच्छे संगीतकार, अच्छे चित्रकार व अच्छे खिलाड़ी थे, बल्कि वे सबसे अच्छे एक बेहतर इंसान थे। ऐसी शख्सियत बार बार पैदा नहीं होते, पहली बात। दूसरी बात, हमारा जो गांव था वो राजा साहब के व्यक्तित्व के कारण काफ़ी उभरता था, काफ़ी चमकता था। और सबसे बड़ी बात थी कि राजा साहब में जो बात थी वो औरों में नहीं थी, वो राजा साहब नहीं थे, एक साधारण व्यक्ति इंसान की तरह आम आदमियों के साथ घुल मिल जाते थे। ना सिर्फ अच्छे संगीतकार थे, अच्छे प्लेयर थे, अच्छे चित्रकार थे और सबसे अच्छे बेहतर इंसान थे। और वो हमारे दिल में हैं और जिस दिन उनका ये कार्यक्रम सुने, ये हुआ ऐसे करके पूरा सन्नाटा फिंगेश्वर में छा गया था। और एक राजा नहीं, वो आम आदमी की तरह हम लोग के साथ हमेशा संगठन में हर कार्यक्रम में से मैं उनको मिलते थे तो हमेशा सभी समूह का बढ़ाई करते थे और हम लोग को आगे बढ़ाने का माने हम लोग को और जोश आया। वो एक बार मेरे बोले कि आपके संगठन में और जो ये देखता हूँ माने समूह देखा हूँ, जब भी देखता हूँ आप लोग का संगठन और हर चीज़ काम करते रहते हो, और मेरे बोले कि आप यहाँ आके बैठिए करके ये सम्मान देने वाले राजा साहब थे। लगा हृदय से और सबके हृदय में है। आज भी हम लोग को बहुत दुख हो रहा है कि एक हमारे जो मान था, सम्मान था, वो यहाँ से गुजर गए। इसके लिए मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ उनको। सभी बहनें मिल करके राजा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए और राजा साहब बहुत ही सरल स्वभाव के थे और सभी से मिलजुल कर रहते थे। वो संगीत में रुचि लेने वाले थे, खिलाड़ी थे और बहुत अच्छा कलाकार थे, पेंटिंग भी करते थे। और हमारे जो फिंगेश्वर है वो गांव ही बहुत सुंदर है, इसलिए उनका सुंदरता भी वैसी खूबी से बहुत खूबी सी बरकरार था राजा साहब का। और उनको संगीत बहुत पसंद था। संगीत के दौरान एक बार मैं छोटी थी जब छठवीं क्लास में थी तो बगीचा जाके गाना गा रही थी कि सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। तो मुझे बुलाए और गले से लगा लिए, कहा कि ये गाना बेटा मुझे बहुत पसंद है, हर साल मेरे जन्मदिन में आकर गाना। और मैंने 5 साल उनके जन्मदिन पर इस गाना को गाया। वो बहुत खुश होते थे, ये गाना से उनको इतना लगाव था कि ये गाना को हमेशा रोज़ रात्रि में वो सुनते थे। ऐसा हमारे कुमार साहब थे। मैं चाहती हूँ कि उनकी आत्मा अमर रहे। और कुमार साहब थे और है और रहेंगे भी आगे। वो जन्म लेके फिर से फिंगेश्वर में आए, यही मेरी प्रार्थना है, नमन है। सभी महिलाओं ने नम आंखों से राजा महेंद्र बहादुर सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। अगर आपके पास राजा साहब की कुछ पुरानी तस्वीरें या फिर उनसे जुड़ी कुछ ऐसी कुछ कहानी आपके पास मौजूद हैं तो उसे फोटो को या फिर उस वीडियो को आप हमें भेजिए, क्योंकि हम एक अच्छे से और ख़ास स्टोरी तैयार करने जा रहे हैं।
तो हम चाहते हैं कि आपके पास जो भी उनसे जुड़ी कुछ पुरानी यादें हों उसे आप हमारे साथ साझा कीजिए। हम एक स्टोरी में उसको स्थान देंगे। हमारा ईमेल यहाँ पे है और साथ ही ये व्हाट्सएप नंबर है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, मेरे कैमरामैन का व्हाट्सएप नंबर है। मेरा जो नंबर है वो नीचे रहेगा या डिस्क्रिप्शन में रहेगा, तो आप भेज सकते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी शेख इमरान और मेरे कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाज़त, और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए मिस्टर इमरान न्यूज़ नेटवर्क।